हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर एस शुक्ला प्रावी IVF टेस्ट ट्यूब डिलीवरी सेंटर कानपुर में एम्ब्रियोलॉजिस्ट हूँ। आज मैं आपसे बात करूंगा पुरुष निसंतानता, पुरुष बांझपन, इसके क्या कारण हो सकते हैं। दोस्तों, इसके मैंने 10 कारण आइडेंटिफाई करे हैं। जिस भी आपके आसपास या कोई ऐसा दंपति है जिसको इस तरह की प्रॉब्लम लग रही है, तो वो इनसे रिलेट कर सकता है कि अगर ऐसा है तो क्यों है। सबसे पहला कारण है एबनॉर्मल स्पर्म प्रोडक्शन। किसी भी कारण की वजह से अगर स्पर्म का प्रोडक्शन एबनॉर्मल है, मतलब जो WHO गाइडलाइन के हिसाब से अगर आपका स्पर्म काउंट 15 मिलियन से कम है, आपकी मोर्टेलिटी 39% से कम है, प्रोग्रेसिव मोर्टेलिटी 32% से कम है, या आपके स्पर्म की मॉर्फोलॉजी में प्रॉब्लम है या मोर्टेलिटी में प्रॉब्लम है, तो ये सारी चीज़ें आती हैं एबनॉर्मल स्पर्म प्रोडक्शन के अंदर में। ये एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम होती जा रही है मेल इनफर्टिलिटी के केस में, और इसको आप जितना जल्दी आइडेंटिफाई कराएंगे उतना जल्दी आपको फायदा होगा। क्यों? क्योंकि इससे लड़ने के लिए भी हमारे पास अब कई सारे साधन हैं। अभी हम कारणों के बारे में बात करेंगे। जो दूसरा कारण है इस चीज का, वो ज्यादातर देखा गया है वेरिकोसील नामक एक डिजीज होती है, जिसमें जो टेस्टिस के आसपास की वेन्स होती हैं वो मोटी हो जाती है, जिस वजह से उनका फ्लो एबनॉर्मल हो जाता है और स्पर्म प्रोडक्शन में फर्क पड़ता है। इसकी भी कई सारी ग्रेडिंग है। अगर आपको इस तरह की कोई प्रॉब्लम लगती है तो आप यूरोलॉजिस्ट से या अपने एरिया में अच्छे डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। तीसरा जो कारण है मेल इनफर्टिलिटी का, वो है हार्मोनल इम्बैलेंस। 2-3 हार्मोन्स हैं जो अपनी बॉडी में बहुत जरूरी होते हैं, जैसे टेस्टोस्टेरोन, FSH, LH। अगर इनकी मात्रा ऊपर नीचे होती है तो ये मेल इनफर्टिलिटी कॉज कर सकती है। चौथा जो कारण है मेल इनफर्टिलिटी का, वो है टेस्टिकुलर फैक्टर। आपके टेस्टिस में कोई प्रॉब्लम है, आपके टेस्टिस में कोई इंजरी है, आपके टेस्टिस में टॉर्जन है, कोई इन्फेक्शन हो गया है, तो ये भी आपके स्पर्म प्रोडक्शन को अफेक्ट कर सकता है और मेल इनफर्टिलिटी कॉज कर सकता है। पांचवा कारण है कोई ब्लॉकेज है या कोई स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है आपके इजेकुलेटरी डक्ट में, आपके वॉइस डिफरेंस में कहीं कोई ब्लॉक है या कोई स्ट्रक्चर उल्टा सीधा हो गया है, कोई नली कहीं की जुड़ी हुई है, वो इन्वेस्टिगेशन से पता कर सकते हैं हम लोग। तो आइडियली देखा जाए तो ये भी एक तरीके से मेल इनफर्टिलिटी कॉज करता है डायरेक्टली। और उसके बाद अगर हम छठे कारण की बात करें, छठे कारण हमने बताया आपको, एक बार मैं आपको फिर से रिवाइज करा दूंगा। सबसे पहला कारण एबनॉर्मल स्पर्म प्रोडक्शन, दूसरा कारण वेरिकोसील, तीसरा कारण हार्मोनल इम्बैलेंस, चौथा कारण टेस्टिकुलर फैक्टर, पांचवा कारण ब्लॉकेज और स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम जो कि आपके टेस्टिस में या आपके इवेंडाइनस में या वास डिफरेंस में हो सकती है, छठा कारण है जेनेटिक फैक्टर। जेनेटिक फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट कारण हो सकता है। अगर कोई जीन में म्यूटेशन हो गया हो या कोई फैमिली हिस्ट्री इस तरह की हो जिसमें क्रोमोसोमल प्रॉब्लम आ रही हो, उस वजह से भी मेल इनफर्टिलिटी का आपको सामना करना पड़ सकता है। तो ये जेनेटिक फैक्टर्स में काउंट होता है। अगर अगले कारण की बात करें तो कोई आपको साइकोलॉजिकल या कोई मेडिकेशन वगैरह की वजह से डिजीज लाइक सेक्सुअल डिसऑर्डर, मतलब इरेक्टाइल डिसफंक्शन या प्रीमैच्योर इजेकुलेशन, ये भी मेल इनफर्टिलिटी में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है। इसके अलावा कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर होते हैं। इन्वायरमेंटल फैक्टर का मतलब होता है उस वातावरण में आप रह रहे हैं, हैवी मेटल्स में इंडस्ट्रीज में काम करने वाले, हॉट फर्निशिंग इंडस्ट्री जहाँ बहुत गर्मी होती है, या केमिकल होते हैं या बहुत पेस्टिसाइड्स वगैरह हैं, तो ये इन्वायरमेंटल फैक्टर भी एडवर्सली अफेक्ट करते हैं आपके मेल फर्टिलिटी को। इसके अलावा जो आठवां कारण है वो है लाइफस्टाइल डिजीज। लाइफस्टाइल डिजीज, एक्सेसिव स्मोकिंग, एक्सेसिव ड्रिंकिंग अल्कोहल एंड आपका ओबेसिटी, इस तरह की लाइफस्टाइल की जो डिजीजेस हैं वो भी आपको अफेक्ट कर सकती है और ये मेल इनफर्टिलिटी कॉज कर सकती है। और आखिरी कारण है मेडिकेशन। मेडिकेशन का मतलब होता है आप किसी लॉन्ग टर्म न्यूरोलॉजिकल डिजीज से या लॉन्ग टर्म डायबिटीज मेलिटस से, या आपको कोई BP की लॉन्ग टर्म की दवाइयाँ चल रही हैं, या आपको कोई एंटी डिप्रेशन या कोई एंग्जाइटी का ट्रीटमेंट दे रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें भी मेल इनफर्टिलिटी कॉज कर सकती हैं। एक बार मैं फिर से आपको समराइज कर देता हूँ 10 कारण जो मेल इनफर्टिलिटी कॉज कर सकते हैं। पहला कारण एबनॉर्मल स्पर्म प्रोडक्शन, दूसरा कारण वेरिकोसील,
तीसरा कारण जेनेटिक फैक्टर्स किसी भी जीन म्यूटेशन की वजह से, चौथा कारण हार्मोनल इम्बैलेंस, पांचवा कारण कोई टेस्टिकुलर फैक्टर है जिसमें टेस्टिस में इंजरी, इन्फेक्शन या कोई और प्रॉब्लम आ रही है, छठा कारण आपका कोई ब्लॉकेज है या कोई स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी आ रही है, सातवां कारण कोई सेक्सुअल डिसफंक्शन है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन या प्रीमैच्योर इजेकुलेशन की तरह का, आठवां कारण कोई इन्वायरमेंटल फैक्टर है, लाइक आप किसी ऐसी इंडस्ट्री में या ऐसी जॉब में हो जहाँ पे बहुत गर्मी है या केमिकल है या पेस्टिसाइड्स हैं।